वेलकम टू D.R.P.S स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो करंट के बारे में जानने से पहले अपन थोड़ी सी बेसिक चीजें जो नाइन्थ में अपन पढ़ के आए थे वो रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने नाइन्थ में पढ़ा था एटम्स के बारे में। एटम मतलब है परमाणु। अब एटम के अंदर जो परमाणु होता है उसके अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तीन क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं तीन, कौन से होते हैं? एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब जो प्रोटॉन होता है उसका नेचर होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर होता है नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल। मतलब ना तो वो पॉजिटिव टाइप का नेचर रखता है ना ही क्या रखता है, नेगेटिव टाइप का नेचर रखता है। और जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के ऊपर कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव होता है फिक्स होता है, इक्वल होता है दोनों के ऊपर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, जो चार्ज होता है उसको मेजर किस में करते हैं? सी। सी मतलब है कूलाम। ठीक है, अब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिक्स इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन है तो ये प्लस का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब कोई भी एटम होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका कुछ फिक्स नेचर होता है। या तो वो क्या करेगा, बेसिकली प्रोटॉन डोनेट करेगा। अगर वो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो मतलब एक्सेप्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। या फिर वो प्रोटॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा तो डोनेट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। दोनों में से एक काम, या तो पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन। अब देखो, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा मतलब उसमें क्या कम हो गए? प्रोटॉन तो क्या हो गए? कम हो गए। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब उसमें ज्यादा कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन है ज्यादा हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? माइनस वाला ज्यादा हो गया। ऐसा पार्टिकल, ऐसा एटम क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन। क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन बन जाता है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब उसमें ज्यादा कौन हो गया? पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। एक बन गया नेगेटिव आयन, एक क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब बेसिकली यही इसका क्या होता है? चार्ज होता है। कि एक पॉजिटिव चार्ज का हो गया, एक किसका हो गया? नेगेटिव चार्ज का हो गया। अब जब यही चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है। फ्लो करने से मतलब किसी भी सब्सटेंस के एक एंड से और दूसरे एंड तक अगर ये चार्ज जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, फ्लो ऑफ ए चार्ज। मतलब जो चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसका जो फ्लो होता है वही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, देखो ये था एटम के बारे में। अब अपन करंट पे वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जिसकी अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब इसका देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको डिनोट करेंगे किससे? आई से। आई मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। और हमने कहा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल, कोई भी नेचर जब फ्लो करता है तो वो हमेशा किसकी रिस्पेक्ट में करता है? टाइम की रिस्पेक्ट में। मतलब फ्लो करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? टाइम चाहिए होगा। और चार्ज को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से। कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। हमने कहा था करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज और फ्लो, उसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिएगा? टाइम। तो क्यू बराबर क्या बन गया? आई टी। अब देखो, आपका जो चार्ज होता है क्यू उसको आप किस मेजर करते हो? कूलाम में। और टाइम को किस मेजर करते हो? सेकंड में। तो आपके करंट की यूनिट क्या बन गई? कूलाम पर सेकंड। और एक साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट में इसी यूनिट को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। इसी यूनिट को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर या कूलाम पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? करंट की यूनिट होती है। अब जो करंट होता है वो होता है वेक्टर। वेक्टर होने का मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब अगर मैं कहूं कि कोई चीज स्केलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। उसके अंदर क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी है उसकी। और अगर मैं कहूं कोई चीज वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं वर्क कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, अभी वर्क कर रहा हूं, किधर कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में कर रहा हूं, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो फोर्स की क्या होगी? डायरेक्शन की। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। तो आपको जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिलेंगे तो वो चीज क्या होगी? वेक्टर। और जब दोनों में से कोई एक मिलेगा,
एक मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो वो चीज क्या होगी स्केलर। तो आपका करंट होता है वेक्टर, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है कि आपके हमेशा ये पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। अब देखो ये जो करंट की डायरेक्शन होती है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कहां जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये देखो बेसिक से सीन, मैं टर्मिनल बार बार नाम ले रहा हूं। टर्मिनल मतलब क्या हो गया, आपके पास कोई भी सेल होता है, बैटरी का ले लो, घड़ी का ले लो, वॉच जो टॉर्च होती है इसका ले लो, उसके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव होता है एक क्या होता है नेगेटिव। उस सेल को डिनोट करने के लिए फिजिक्स में ये साइन काम में लिया जाता है कि बड़ा जो आपने एरो निकाला है, लाइन निकाला है वो पॉजिटिव, छोटा निकाला है वो नेगेटिव। तो जब भी आप करंट की बात करोगे तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकल के किस में जाएगी, नेगेटिव में। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से निकल के कहां जाएंगे, पॉजिटिव के अंदर जाएंगे। तो करंट और इलेक्ट्रॉन हमेशा दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये था बेसिकली किसका, करंट का फंडा, करंट फ्लो ऑफ ए चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, q इज इक्वल टू i इज इक्वल टू q अपॉन में t। अब यहां से आप q की वैल्यू निकाल सकते हो, q बराबर क्या हो गया i t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो q बराबर क्या आ गया i t। आपको अगर करंट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो आप चार्ज की क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब आपका जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, बेसिकली अपने देखा था किसी में इलेक्ट्रॉन कम है किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सीधा सा मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब किसी में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब वो चीज क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम, तो वो कौन सा बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो आपका चार्ज होता है वो सीधा सा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज को क्या लिख सकते हो, n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाइड बाय e, e मतलब होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है। ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, e इज इक्वल टू माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये आपका बेसिकली क्या आ गया, एक फंडा आ गया, q इज इक्वल टू एन टी। अब अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, i इज इक्वल टू q अपॉन में t, तो आप i की वैल्यू क्या लिख सकते हो, q की जगह n e अपॉन में t, ये चीज आप लिख सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये दो चीजों में काम आता है, आपको अगर चार्ज दे दे, q दे दिया, तो आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि e की वैल्यू फिक्स होती है आपके पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या फॉर्मूला बन गया, q अपॉन में t। और अगर आपको n देते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते, तो आप सीधा सा क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। जैसे आपको कहे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 कूलाम चार्ज है, कितना चार्ज है, 2 कूलाम है चार्ज, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, तो क्या करोगे, क्यू की जगह आपको क्या दे रखा है, 2 इज इक्वल टू n, e की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब e की जगह ये वैल्यू सीधी रखोगे, अब इसमें माइनस काम में क्यों नहीं लोगे, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो वो सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या इलेक्ट्रॉन अबंडेंस भरपूरता से है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, माइनस प्लस सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को बताएगा। तो ये हो गया आपके पास सीधा सा। अब यहां से n की वैल्यू निकालोगे तो n इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब पावर माइनस 19 है, अगर वो ऊपर गई न्यूमरेटर में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की 19, ये हो गया कितना। अब अगर मैं यहां से डेसिमल रिमूव करता हूं, ऊपर कितने हो गए, 20 हो गए, अब 2 से कैंसिल कर दो, 10 अपॉन में 8, दोबारा 2 से कैंसिल कर दो, 5 अपॉन में 4, अब 5 के ऊपर 4 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज है, 2 कूलाम चार्ज अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसिक सा फंडा था किसका, करंट का, फ्लो ऑफ चार्ज, q इज इक्वल टू i अपॉन में t, q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, q इज इक्वल टू n इनटू e, चार्ज की वैल्यू होगी कूलाम, और अगर आप करंट की निकालो तो कूलाम पर सेकंड लिख सकते हो या फिर सीधा इसको क्या लिख सकते हो, एम्पियर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे चार्ज और करंट की बात होगी ना, चलो अब बात करते हैं इन दोनों की वजह से छोटा सा नेचर
छोटा सा क्रिएशन आपको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने दो वर्ड यूज किए, पहले मैं लिख रहा हूं